हल्ला शुरू हो चुका है और इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए आप। सरकार ने बहुत सारे मान्यता के नियम बनाए हैं और उन नियमों के अंत में हमने कई सारी बातें करने की कोशिश की थी पहले मदरसों में, और अभी भी सरकार उसके प्रति है कि जिन मदरसों में अवैध गतिविधियां चलती है वो मदरसे हाल हालत में बंद होना चाहिए और जो संचालित करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि मदरसों में बच्चों की तस्करी होती है, कि मदरसे जिस प्रकार की शिक्षा दे के धर्मांधता के और सामाजिक विष बीज बो रहे उनसे आने वाली पीढ़ी को मुक्त कराना बहुत जरूरी है। मदरसे बगैर अनुमति के भी चल रहे हैं, मदरसा बोर्ड की भी मान्यता नहीं है, शिक्षा विभाग की भी मान्यता नहीं है। ऐसे मदरसों में बच्चों के तस्करी का, बंधवा मजदूरी का संकेत मिलता है। तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सरकार मदरसे का मुद्दा लाकर नर्सिंग घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायक आमिर अकील ने आरोप लगाया है कि नर्सिंग घोटाले को बचाने के लिए मदरसों की बात की जा रही है। नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए स्पष्ट है कि नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए ये सब मापदंड अपना रही है सरकार, और मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए कि मदरसे के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, और ऐसे विधायकों को कहीं न कहीं दूसरे मेंटली डॉक्टरों को दिखाने की जरूरत है। वहीं मदरसा संचालित करने वाले काजी अनस का कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई भी मदरसा अवैध रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मदरसा अवैध नहीं है, सारे मदरसे वैध हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने मदरसे हैं वो सब मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अधीन काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड जो है वो शिक्षा विभाग के अधीन काम कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरीके की बातें करना, बकवास करना, ये सब गलत बातें हैं, गलत बयानबाजी है, बहकावा है। एक और जहाँ सरकार अवैध मदरसों पर सख्त होती जा रही है, तो इस बीच राजधानी भोपाल में बाल आयोग का एक्शन देखा गया है, जहाँ टीम की ओर से मदरसों की जाँच की गयी है। फिलहाल देखना होगा अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेगी। टीम न्यूज़ 18।